कबहू कछु न जाबो कछु कर ले आप। इस घटना को विश्वास माने या अंधविश्वास, परंतु यह होता जरूर है। यह भोपाल के समीप रायसेन मध्य प्रदेश की बात है। रायसेन जिले के ग्राम सिहोरा में हनुमान जी और शिव जी के सिद्ध स्थान के लिए प्रसिद्ध है। सिहोरा ग्राम के भीतरी क्षेत्र में नागदेव का चपूतरा है, जहां प्रतिवर्ष नागपंचमी के मौके पर नागों की अदालत लगती है। मान्यता है कि साल भर में सर्प दंश से पीड़ित लोग सिहोरा पहुंचकर वहां के पंडा अजब सिंह से गासी बंधवाते हैं, जिससे उन्हें लाभ प्राप्त होता है तथा बाद में उन्हें नागपंचमी पर पुनः सिहोरा पहुंचना होता है। मंगलवार को सिहोरा स्थित नागदेव के चबूतरे पर नागों की अदालत लगी। दूर दराज से दर्जनों लोग जो बीते वर्ष में सर्प दंश से पीड़ित रहे थे वह पहुँचे हैं। बता दें कि वहाँ पर इस आयोजन किया गया और पंडा अजब सिंह की मौजूदगी में बारी बारी से पीड़ित रहे दर्जन भर से अधिक लोगों के शरीर में नागों की आत्मा ने प्रवेश कर संबंधित व्यक्ति को काटने का कारण बताया। यही नहीं, प्रविष्ट नाग की आत्मा ने भविष्य में किसी व्यक्ति को पीड़ा न पहुंचाने की वचनबद्धता भी जताई। मौके पर मौजूद सर्पदंश से पीड़ित रहे व्यक्तियों के परिजनों ने मीडिया प्रतिनिधियों से चर्चा करते हुए बताया कि वे नाग के सताए हुए व्यक्तियों को सिहोरा दरबार में लाए थे तथा यहाँ से गासी बंधवाने के बाद आराम मिल गया था। नहीं बना फोन ये साथ में फोन ये तो हमारा भक्त ही है वो गांव में। हाँ फिर ये शकार खाई ये भक्त रहे भाई ये कार खाओ हमारा जबरदार जबरदार राजकारण से भाई पंच के हो ये काले नाम की गाँव में रह रहे हो बैठ जाओ बैठ जाओ बैठो तो यार भाई बैठ के देख लो और पीछे और खड़े 50 बैठ जाओ भाई बैठ जाओ भाई बैठ जाओ बैठ जाओ फटा बैठे आज लेट इधर जा रही है आज मारा सुखा रहे अच्छा अरे पंडा जी मैं देख रहा हूं अरे देख रहा हूं सब लोग जाओ प्रभु जी खड़े रहो Okay.
वेरी गुड, चलो दो हाथ दूर करो आपका टीचर, तो आप टीचर आप यहाँ आई हो नागपंचमी का क्या है यहाँ पर? हमारी बड़ी बहू को पान लगो थो अच्छा संतान साधक दिन क्या हुआ जही अच्छी भाइया गई गांठी खुली थी बाकी महालक्ष्मी का दिन ठीक हो गई अखंड पाठ होगा सीताराम होगा भंडारो होगा सब कुछ करवा दिया आपने ठीक हो जी अब बनूगा क्या है टेढ़ी टेक लाने आया दादा जी कह रहा थी कैसे हो गई अब आज पूछेंगे कौन बताएंगे पंडा जी बचे हैं दादा जी यहाँ है थे नाम दो महाराज से मेरा नाम योगिता पटेल यहाँ पर बर्थ भर में जितने भी लोगों को पाल लगता है वो यहाँ पर आते हैं राम रचि अच्छा पर कृपा है आते हैं उनकी पुकार होती है उनको बताया जाता है कि किस वजह से उन्हें पाल लगा है उनकी क्या गलती थी और उन्हें बताया जाता है राम रचि द्वारा बताते हैं उन्हें कि उनकी गलती क्या थी जैसे नाम द्वारा यहाँ पर 40 वर्ष से यहाँ पान फूल रहा है बांसी हो रही है तो यहाँ पर आके पान फूलते हैं लोगों की अदालत लगती है और अपना अपना जो भी प्रॉब्लम रहती है उनकी सब सॉल्व होती है और सभी बताते हैं अपना अपना क्या धर्म है क्या है किस वजह से इन्हें पान लगा है पूरी उनकी सुनाई होती है 40 वर्ष से यहाँ पर राम रचिया का शेषनाग का धाम है क्या नाम है आपका कमल गौर
या किस तरह के चमत्कार होते हैं? हाँ, बहुत प्रकार के चमत्कार होते हैं। जैसे जो जैसे कि जो भी श्रद्धा से आता है और सच्चे मन से मनोकामना करता है पूरी होती है। और ये हमारे नागदेवता का स्थान है, तो यहाँ पे हर साल जो है नागों की जो मतलब अदालत होती है, जो सर्प डस लेते हैं किसी को, उनको पंडा जी हमारे घासी पहनाते हैं और जड़ी बूटियाँ वगैरह देते हैं जिससे सर्प दोष खत्म होता है। लेकिन उसकी अदालत होती है हर साल, प्रतिवर्ष होता है ये, और कई वर्षों से हो रहा है, पीढ़ी दर पीढ़ी कई वर्षों से हो रहा है। हमारा नाम रतन सिंह झंडावारे, जिला सागर, तहसील केसरी। यहाँ पर आए हो, क्या है यहाँ पर? यहाँ शेष नाम की अदालत लगती है और यहाँ जिसको पान लग जाता है वो यहाँ अपना दान करता है, दान के बाद दर्शन करके यहाँ खुल जाता है। वो कैसे खोला जाता है? यहाँ पंडा जी जो बैठे हैं उसको मेहराते हैं, उसके बाद से पूछते हैं कि तुम क्या ही कैसा काटा, कितना दान करवाते हैं यहाँ? मन से दान होता है। हाँ, कितने वर्षों से ये सिलसिला जारी है? यहाँ चल रहा हूँ 40 साल से ऊपर से चल रहा हूँ। यहाँ पर धर्म की ध्वजा आज भी लहरा रही है। हाँ, बहुत दूर से लोग आते हैं यहाँ, बहुत दूर से आते हैं यहाँ, चारों तरफ से आते हैं यहाँ आके, लोगों की मनोकामनाएं पूरी होती है। जी, मेरा नाम अनिकेत पटेल, मैं पोस्टर पेपर से होशंगाबाद डिस्ट्रिक्ट का रहने वाला हूँ। पिछली साल मुझे सांप ने काट लिया था, जिसकी वजह से मेरी तबीयत गड़बड़ हो गई थी। घर वाले मुझे यहाँ पे लेके आए थे, जिससे कि मुझे कुछ नहीं हो पाया। और उसी के बाद आज यहाँ पे नाग पंचमी दिन नागों का मेला लगता है, जिसमें आज नागों का अदालत हुई और उसमें जो कुछ भी होता है भगवान का आशीर्वाद से सब आज सही है। ठीक है, उसी दिन से मैं ठीक हूँ। क्या नाम है आपका? सर भवाई। कहाँ से रहने वाले हैं? बीकानेर। क्या हुआ था आपको जो हम नागों के अदालत में आना पड़ा? हम पिछली साल संतान सात दिन ना किचन में तो दादाजी के नाम पठान लगाई हमारे राम सरकार के नाम की, तो हम यहीं पर ले आए थे, हमने ठीक हो गया आके। तो आज हम यहाँ बुलाते हैं नागराज, सब लोग आते हैं ना और बक करवाते बोलते हैं, क्या बोलते हैं जो हमें मालूम नहीं है। तो जहाँ नागों की पंचायत लगाते हैं अदालत लगती है, हाँ फैसला होता है। हाँ, क्यों काटा था, क्या गलती थी, क्या नहीं थी, आपको कुछ बोलने वाले? नहीं, हम कुछ खबर नहीं, नहीं कुछ नहीं खबर। ठीक है, उसी दिन? हाँ, उस दिन ठीक खबर। हमने यहाँ रामायण जी करवाई थी, संताप जी कथा करवाई थी, सीताराम कीर्तन करवाया था और घर पे भजन करवाए थे और सीताराम कीर्तन घर पे भी करवाया था। हाँ, जब तक जीवन का आएंगे हर बार आना है। श्री राम श्रिया बाला जी सरकार की जय, कृष्ण नारायण भगवान की जय, भैरव महाराज की जय। ये परसों से माने 42-43 साल हो गए, प्रति मंगल को दादाजी का दरबार लगता है, से बुधवार को श्री शंकर जी का दरबार लगता है और साल में एक बार नागों की अदालत नागों का फैसला होता है। पिछले शुक्र में आप देख रहे हैं, महाराज हमने देखा ना यहाँ कोई वकील है ना दलील है, उसके बाद यहाँ नागों का फैसला होता है, आखिर ऐसा क्या होता है? नागों के अदालत आज के दिन शेष नारायण भूमंडल को धारण करते हुए गौ माता को छोड़कर सिर पर लोक में आज फैसला लेखा जोखा लेने के लिए आते हैं, जिनके लिए कहा बिल कम चुने चुने बिल काना कर बिल कर्म करे पिंडा आगे। आराम से आकर देखो, खुद बैठे राम ऋषि दरबार जो है 5 अक्षर है कि और आप खुद इसे तो सीता जी को समझते ही आइए, जिन्हें अगर हम अगर अमर हनुमान को दिए हैं आराम से हनुमान जी बिठा रहे हैं राम के ऐसे भक्ति पर बिठा कर आवे और रास्ते तो रघुबर को सुन रहे हो हनुमान के, कोई निश्चय प्रेम पीछे बिना करता हुआ आता है, वो जो राम रचिया के नाम से कांठ लगा देता है, भगवान राम रचिया दरबार में फूट जाती है, मंगल को दरबार में देख देख स्थापन सताए हुए कहानी आती है। सब शुक्ल है तुम्हारी शरणा पर है तुम रक्षक का हूँ को डरना, जब उनका डर नहीं आ रहा जीवन दान देने वाले राम रचिया सरकार बैठे हैं और नागों की अदालत खत्म के बाद क्या है तारीफ हो
गोपी वाले भगवान न माने मन करिया हनुमान के माध्यम की गांठ डाल देते तो उनका अनिष्ट नहीं हो पाती बंदा मिल जाता।